पानी देख लो कितना भर गया, इसके बीच में ना इतना गहरा गड्ढा है कि अगर चाहे इसके अंदर लाके गेंडा लेटा दो। आ रहे हैं साला, रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का सौकर बैठ गया लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए व्लॉग में। आई होप कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ रहे हैं साला, रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का सौकर बैठ गया लगता है। के पैदल जाए क्या? अरे ना ना, बैठी रहो। ये प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवा। गर्मी से तो निजात मिल गई थोड़ी बहुत, लेकिन बारिश की ये जो सीजन, ये जो बारिश हो रही है, ये फसल के लिए ठीक नहीं है। बाकी लोग तो खुशी मना ही रहे हैं कि भाई अप्रैल मई में जो है, पूरी अप्रैल ही तकरीबन मुश्किल से कुछ एक दिन गर्मी हुई होगी, अदरवाइज तो मौसम ठंडा ही रहा है। अब भी आज भी देख लो 10:30 बजे हुए हैं, लेकिन गर्मी नहीं है, ठंडी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है। यार ऐसे मौसम में है ना, बाइक चलाने का अपना ही अलग मज़ा होता है। गाड़ी के अंदर वो मज़ा नहीं आता जो टू व्हीलर के ऊपर आता है, बाइक के ऊपर आता है। मतलब खुला खुला मौसम, खुला खुला आसमान, ठंडी हवा लग रही है, सब कुछ, मतलब एक क्लियर विजन है आपके सामने। इट्स लाइक ओपन, सब कुछ ही तो ओपन है आपके सामने। ये गड्ढा ठीक नहीं होना भाई साहब, इनसे ऐसे ही जाम लगे रहने। मतलब मैंने गलत नहीं कहा था कि यहाँ पे मछलियाँ पाल लो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। या तो यहाँ अच्छे से गड्ढा खोद दो, यहाँ ठीक ठाक मछलियाँ ही डाल लेंगे। ये देख रहे हो भाई साहब, बारिश में क्या हाल हो रखा है। कल धुलवाई थी और सारी का मतलब मिट्टी मिट्टी होगी दोबारा से। एक तो भाई साहब ये रोड पे साइडों में खड़े करने वाले बिल्कुल बाज नहीं आते, आधी गाड़ी का पिछवाड़ा रोड पे छोड़ जाएंगे। और दूसरा, इलेक्शन वालों ने ज़िंदगी झंड कर रखी है, पूरे काफिले चलते हैं, वो दो दो घंटे रोड जाम रहता है। और तीसरा, ये महाराज पानी देख लो कितना भर गया, और इसके बीच में ना इतना गहरा गड्ढा है कि अगर चाहे इसके अंदर ला के गेंडा लेटा दो। मतलब ये स्मार्ट सिटी के हालात हैं। आज तो सही में मछली डालने लायक रखा है ये, किसी के पास हो तो ला के डाल लो भाई। ये
देखो बीजेपी वालों की रैली चल रही है। रैली क्या कहें भाई साहब, किसी को कुछ कहने का कोई मतलब नहीं बन रहा। ओ भाई साहब बच गया फोन मास्टर, एकदम से उधर गया था रोड के ऊपर। अब देखो स्पीड का खेल मैं बताता हूँ, स्पीड के अंदर पता है क्या होता है। मैं इसलिए लोगों को हर टाइम बोलता रहता हूँ कि भाई मुद्दा गाड़ियों की सेफ्टी का नहीं है, मुद्दा गाड़ियों की बिल्ट क्वालिटी का इतना नहीं है जितना कि यहाँ पे इंडिया में ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स का है, गाड़ियाँ चलाने का है। अब पेंच मेन ये फंसता है कि अगर BMW को भी 150 की स्पीड में ट्रक में टक्कर मारोगे तो वो भी नीचे से आर पार निकल जाएगी, आदमी नहीं बचेगा उसमें भी। ये है ड्राइविंग स्टैंडर्ड। अब इस वीडियो में देखो ये गाड़ी कितने खतरनाक तरीके से पलटती हुई आ रही, कितनी खतरनाक, और इतने ये पलट गई, इतनी इतने मतलब चक्कर काट चुकी है ये, सोच के देखो कितनी स्पीड में होगी ये गाड़ी। इसलिए मैं लोगों को बोलता रहता हूँ कि ये स्पीड अगर आपकी बहुत ज़्यादा है ना तो देखो उसके 3-4 मेन कारण मैं बताता हूँ क्यों स्पीड में गाड़ी होती है वो जान जाती है। पहली बात, सीट बेल्ट नहीं होती बहुत सारे लोगों पे। दूसरी बात, स्पीड 100 से ऊपर होती है जिसके ऊपर इम्पैक्ट इतना आता है कि कोई भी गाड़ी मतलब उस इम्पैक्ट को सहन नहीं कर पाती। अब तीसरी बात, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक और बता दूं, ये जो 4-5 स्टार की रेटिंग लेके आ रहे हैं नो डाउट सेफ तो है, लेकिन इनके ऊपर जो क्रैश टेस्ट किया जाता है ना, वो क्रैश टेस्ट किया जाता है 60 की स्पीड में। और हम लोग गाड़ियों चलाने के जो हमारे दिमाग में चीज़ें चल चुकी हैं, हमारे लिए जो हमारी आदत में चीज़ें आ चुकी हैं वो हैं 100, 120, 130, जबकि यहाँ पे इंडिया में रोड ढंग से 100 की स्पीड पे भी चलाने के हैं नहीं। इसलिए जान जाती है। रोज एक आधा ऐसा एग्जांपल मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब कोई परसेंटेज ही नहीं है इसकी, तो कहीं पे काउंटिंग ही नहीं है। अगर जेन्युइनली हम बात करें तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और वो मारे सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि या तो लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखे, या लोगों का ड्राइविंग स्टैंडर्ड ख़राब है, या फिर लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, या फिर वो बहुत एक्सेसिव स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। मौसम देख रहे हो कितना गजब हो रखा है, ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सूरज चमकता था इस टाइम पे, लेकिन आज देख लो कैसा डला डला सा मौसम हो रखा, बारिश का ताबड़ तोड़ आई है भाई साहब। ये देखो कितनी गर्मी होने के बाद भी, मतलब वहाँ भी पानी का पूरा तालाब भरा था और यहाँ भी देखो रोड के किनारे पानी खड़ा हो रखा है। ये जो सीजन होता है ना, इस ऐसे मौसम में बाइक राइड करने का अपना ही मजा आता है, राइडिंग में मजा आ जाता है भाई साहब। चलो दोस्तों, फाइनली रीच्ड होम, ठंडे ठंडे मौसम के अंदर अपने घर पहुंच गए हैं। आई होप कि आप लोग भी सभी स्वस्थ होंगे, जो तूफान वगैरह बारिश आई है ठंड वंड के मौसम से बचे हुए होंगे। तो ख्याल रखिए अपना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए, कुछ ना कुछ काम की वीडियो आपके मिलेंगी।